खबर बलिया से है, जहां लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी का बीएसपी सांसद पर अभद्र टिप्पणी से नाराज बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदन का हिस्सा थी, अब तक बीजेपी को एक्शन ले लेना चाहिए था। बसपा अपने सांसद के साथ खड़ी है, बसपा आगे की रणनीति तय करेगी। इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से उन्होंने मांग की है कि इस असंसदीय शब्द को कार्यवाही से तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे सांसद को कुछ दिनों के लिए बैन कर देना चाहिए। उसके पास अधिकार है कि उसका करियर खत्म हो सके। आपको बता दें, बसपा विधायक उमा शंकर चिलकहर हत्याकांड में मृतक के परिजन के घर पहुंचे थे, जहां बीते दिनों दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद बसपा विधायक ने मृतक के पत्नी को 2 लाख रुपए के चेक दिए। रड़सा नगर पालिका में उनको नौकरी देने की भी बात कही। इसके साथ ही मृतक के बच्चों का आजीवन पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देने की भी बात कही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी कार्रवाई की मांग की है।